जिले में साग सब्जियों से ज्यादा अब अफीम की खेती होने लगी है। पिछले दो माह में पुलिस और वन विभाग द्वारा रौंदे गए अफीम की खेती इस बात की पुष्टि करने लगे हैं। दो माह के दौरान चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज, वशिष्ठ नगर, चतरा सदर, लावालोंग, राजपुर और गिद्दौर वन क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान 727 एकड़ में उगाए गए अफीम के पौधे रौंदे गए, मगर अभी भी लगभग 7-800 एकड़ में अफीम के पौधे लहलहा रहे हैं। अफीम की खेती करने के आरोप में पिछले 7 दिनों में 121 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जा चुका है, यानी हर दिन दो लोग अफीम की खेती करने के आरोप में पुलिस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। 15 लोगों को अब तक सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। चतरा जिले के SP ऋषभ झा का कहना है कि पुलिस और वन विभाग तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक अफीम उगाने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डाल देगा। यह सच है कि भोले भोले किसानों को बाहर की तस्कर अफीम उगाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और खेती के लिए फाइनेंस भी करते हैं। अफीम के फलों में जब चीरा लगाने का समय आता है तो वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से आकर चतरा जिले के गाँव में डेरा डाल देते हैं। किसानों को तस्कर गीला अफीम के अवज में 30 से 40 हजार प्रति किलो के दर से रकम अदा कर दूसरे प्रदेशों में 10 गुना ज्यादा दाम पर बेच देते हैं। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया, सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हां, नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।